सो फाइनली दोस्तों, टीवीएस अपनी रोनिन का 2025 मॉडल को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे नए लुक के साथ लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है दोस्तों, ये अब आप लोग को पहले मुकाबले काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए कि आप लोग को बाइक का लुक कैसा लगा है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो फीचर्स दोस्तों आप लोग को ऑलमोस्ट पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, बाइक में आप लोग को कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को इस बाइक पे फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जीपीएस के साथ टर्न बटन नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस बाइक पे आप लोग को 3 राइडिंग मोड, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एबीएस और यूएसडी सस्पेंशन के साथ जो है मोनोशॉक सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ दोस्तों, इस बाइक पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट के साथ जो है सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जैसे काफी सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही। बात कर जाए दोस्तों अगर इंजन के बारे में, तो इंजन भी दोस्तों आप लोग को पहले तरह ही 225cc का आप लोग को ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 20.1 bhp के आसपास में पावर और 19.93 nm का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो बाइक है दोस्तों, ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगी। माइलेज दोस्तों लगभग आप लोग को 35 से लेकर 40 km/h के आसपास में देखने को मिलने वाली है। वहीं प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो पहले के मुकाबले दोस्तों लगभग जो है 7 से यहाँ पर जो है 10,000 रुपये के बीच में बाइक की प्राइसिंग बढ़ सकती है। यानी कि अब आप लोग को इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है, ये लगभग दोस्तों आप लोग को 2,00,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। बाकी लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों लगभग जो है 2025 के स्टार्टिंग तक में लॉन्च किया जा सकता है टीवीएस कंपनी की ओर से। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।